तो आज चुनाव के बाद में मतगणना शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से ही रुझान आने शुरू हो चुके हैं गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद से। और इस वक्त हमारे साथ हमारे कई मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से रजनीकांत मणि त्रिपाठी और सपा की तरफ से मोहम्मद शहनशाह और कांग्रेस की तरफ से नदीम अशरफ जायसी और हमारे साथ हमारे राजनीतिक सलाहकार एसके मिश्रा जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। जिस तरीके से यहां पर आज मतगणना सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुकी है, हालांकि छुटपुट बातें भी सामने निकल कर आ रही हैं, किसी किसी के एजेंट जो हैं उन्होंने भी कई बूथ पर यह कहा है कि काउंटिंग ठीक से नहीं हो रही है, तमाम सारी बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन अगर चुनावी समीकरणों की बात की जाए तो निश्चित तौर पर भाजपा शुरुआती रुझानों में आगे दिखी है। एके मिश्रा जी, आपसे सबसे पहले। देखिए स्वाति, मैं आपको क्लियर कर दूं जी, बाई इलेक्शंस और जो मेन इलेक्शंस होते हैं दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है और कहीं से भी कोई कोरिलेशन हमें नहीं लेना चाहिए। मैंने कई चैनलों पे ये बोला है कि बाई इलेक्शन जो है वो प्योर एक गांव का जो इलेक्शन होता है उसकी तरह होता है, जहां पे केवल लोकल इंडिविजुअल क्लाइंट जो है उसके मुद्दे होते हैं, उसकी अपनी छवि काम करती है। तो इसका 2014 के इलेक्शन से कोई वो नहीं है। अब हम एक एक सीट की थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। गोरखपुर देखिए, गोरखपुर में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब भी योगी आदित्यनाथ जीते थे, कांग्रेस के बाद महंत अवैधनाथ जी ने और उसके बाद उनके जो शिष्य हैं योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपनी इमेज खुद उस एरिया में बनाई है वो हमेशा काम करती रही है। यानी आप बोल सकते हो कि गोरखपुर में जो इनकी बढ़त हो रही है या ये जीतेंगे तो वो हार्ड कोर इनके सेल्फ अर्न जो है मतलब इनके वोटर हैं। बीजेपी में अगर योगी आदित्यनाथ बीजेपी में नहीं है, निर्दलीय खड़े हो, वो तब भी जीत जाएंगे। अब आते हैं फूलपुर सीट की। फूलपुर सीट पर देखिए सबसे पहली चीज ये है कि वोटिंग परसेंटेज आप देखिए, मतलब एवरेज से ज्यादा हो, 70% 75% इस तरीके से अगर एवरेज हो, 55-60% और एवरेज से कम हो, जैसे कि ये 38-40% का हुआ है, तो यहाँ पे एवरेज से कम वोटिंग हुई है। तो आप ये देखिए कि कौन से वोटर हैं जो निकलते हैं, जो बड़े हार्डकोर लॉयल वोटर होते हैं, पार्टी से जुड़े होते हैं, वही लोग वो बाहर निकल करके बाई इलेक्शन में जो है अपने वोटिंग को करते हैं और वोट देते हैं। और कहीं ना कहीं जनता उदासीन हमेशा रहती है बाई इलेक्शन में। अब इसका मायने देखिए, फूलपुर का जो सीट है वो बड़ा कॉम्पिटिटिव है, उसको समझना जरूरी है। फूलपुर की सीट हमेशा आप देखिए ट्रेडिशनल जो है कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी के पास गई है और जो विक्ट्री मार्जिन रहा है वो 3-4% 5% का, बहुत कम मार्जिन से ये जीते हैं। 2014 में 3 लाख वोटों से जीते थे, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे पूरे के पूरे फूलपुर का अगर आप ये देखेंगे तो सपा बसपा का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अपने उस पे जो है वो भारी पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का ये मेन इलेक्शन नहीं है, ये लड़ाई केवल और केवल टिपकली योगी आदित्यनाथ जी की है, केशव प्रसाद मौर्य की है, और टिपकली वहां पे जो कैंडिडेट खड़े हैं वो उनके रेपुटेशन से रिलेटेड है। तो अगर प्रिफरेंशियल वे में देखा जाए तो बोला यह जाएगा कि सारी की सारी जो लड़ाई फूलपुर पे है वो सपा बसपा पे है, सपा बसपा और ये इनका बीजेपी के है, ये गठबंधन और बीजेपी से है, और अगर विक्ट्री होगी भी ना तो बहुत मार्जिनल गैप से विक्ट्री होगी यहाँ पे। मिश्रा जी, जिस तरीके से यहाँ पर आपने कहा कि बहुत ही मार्जिनल विक्ट्री होगी क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, हमारे साथ रजनीकांत मणि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं भाजपा से। आपको क्या लगता है रजनीकांत जी, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज गिरा है तो क्या जीत का अंतर बहुत ही कम होगा? जीत जीत होती है, अंतर कम अधिक हो ये अलग विषय है कि जीत कितना अंतर कितना है ये तो तय होगा परिणाम आने के बाद। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगी, ये पूरा आत्मविश्वास के साथ मैं इस बात को कहता हूँ, क्योंकि चुनाव के जो रुझान है और इसके पहले की जो कंपेनिंग थी और जो जनता के बीच में जो चर्चाएं थी उससे ये बातें आम है कि दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगी। मत अंतर कितना होगा ये संभावित नहीं है, ये चर्चा का विषय अभी नहीं होना चाहिए। जब कम से कम 2-3 घंटे काउंटिंग हो जाए तभी हम इस विषय पर काफी कुछ बोल सकते हैं कि कितना अंतर होगा। लेकिन ये विश्वास है, मैं पूरा आत्मविश्वास के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगी। लेकिन टक्कर रजनीकांत जी काफी कड़ी मिलने वाली है फूलपुर में, क्योंकि अलायंस तो है, साथ ही साथ खुद केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि उनकी कड़ी टक्कर अगर किसी से है उनके कैंडिडेट से तो वो है हकीकत। टक्कर की राजनीति में टक्कर की राजनीति अच्छी लगती है, जब कंटेस्टिंग चुनाव होता है तब मजा आता है चुनाव लड़ने में भी। हमारे साथ कांग्रेस से नदीम असर जुड़े हुए हैं। नदीम जी, पहले तो कैंडिडेट ही नहीं उतार रहे थे तो अब क्या कहेंगे जीत को लेकर आप?
कैंडिडेट तो हमने सबसे पहले डिक्लेयर किया, सारी पार्टियों ने जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया उससे पहले कांग्रेस ने डिक्लेयर किया, और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, जब एक जेल में बंद अपराधी को मजबूर किया गया कि तुम वहां से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ो, देवरिया जेल से उसको नैनी जेल शिफ्ट किया गया, तो उसी सिद्ध हो गया कि उनकी स्थिति इस वक्त जनता में क्या है। दूसरी बात, इतना कम परसेंटेज ऑफ वोट, वो ये साबित करता है कि कितनी निराशा है जनता में। जी, लगभग 67% लोगों ने फूलपुर लोकसभा पे चुनाव से और जिसकी सरकार है उनको नकार दिया है, ये परसेंटेज बता रहा है। यही हाल गोरखपुर का है, और हमें लगता है कि दोनों सीटें हारेगी भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ सपा से मोहम्मद शहनशाह जुड़े हुए हैं। शहनशाह, जिस तरीके से यहाँ पर सपा ने कहीं ना कहीं बसपा का हाथ थाम करके इस चुनाव को लड़ने की कोशिश की है, क्या लगता है भाजपा को पछाड़ पाएगी पार्टी? देखिए, बिल्कुल हम भाजपा को पछाड़ेंगे, और भाजपा को पछाड़ने का मेन ये है कि देखिए, जनता के बीच जो है पिछले 4 सालों में बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी की राजनीति की है, गरीबों के साथ, आपके जो है किसानों के साथ, सबके साथ। और जिस तरीके से इन्होंने जो है देश में अभी जो है लगान, एक तरीके से मैं कहूंगा कि जिसने अभी जो लगान लगाया इन्होंने, और उससे जो है सारी जनता परेशान है, तो कहीं ना कहीं जो वोट ऑफ परसेंटेज भी आप देखिए कि फूलपुर में 37% और यहाँ पे जो है 47%, तो कहीं ना कहीं जनता जो है बीजेपी को नकार रही है, और आने वाला 2019 में बिल्कुल हम लोग पूर्ण रूप से जीतेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि 40% से आप ये टारगेट नहीं कर सकते कि बीजेपी को नकारा जा रहा है, और रही बात इसकी कि जनता आपको पसंद करती है, तो फिर आप सत्ता में क्यों नहीं गए? जनता ने नकार दिया, इतना अच्छा काम किया। अगर जनता आपको पसंद करती है तो आप सत्ता से क्यों गए? देखिए, ऐसा है कि अभी मैं अभी तो वही तो कह रहा हूँ कि जुमलेबाज की राजनीति है, जुमलेबाजी की बात नहीं, सिर्फ 2014 में हमारी सरकार बनी केंद्र में, 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। अगर आपका काम इतना बढ़िया था तो क्यों जनता ने आपको 2017 में नकार दिया, ये बताइए? तरीके से महंगाई 2017 में आपको जनता ने क्यों नकार दिया? अगर आपका काम इतना बेहतर था, इतना बढ़िया था, जिस आपने किसानों को इसमें काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, बेरोजगारों के इसमें काम किया, सबसे किसान के इसमें काम किया, तो क्यों आपको जनता ने नकार दिया? नहीं नहीं, रजनीकांत जी, बिहार में किस तरीके, बिहार और दिल्ली में क्यों जनता ने आपको नकार दिया था? बिहार और दिल्ली में क्यों आपका सुपड़ा सा 1.25 लाख करोड़ रुपए आपने दिए थे, क्यों बीजेपी को बिहार और दिल्ली में जनता ने एकदम से साफ कर दिया? इसका क्या आंसर है? क्यों आपने दिल्ली में, क्यों दिल्ली में आप क्यों 2 सीट पे आ गए थे सर? जो हालत इनकी थी, हाँ, आप दिल्ली में भी अगला चुनाव देखिएगा। अरे सर, भविष्य, अरे भविष्य में तो वो भी जीत सकते हैं ना, स्थिति होगी नहीं, भविष्य तो छोड़िए, अभी 2 घंटे बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें तो आप भी, ये भी भविष्य में तो सभी लोग, देखिए आप लोग राजनेता हैं, आप कभी ना करना आप नहीं जानते हैं, हर बार सरकार आपकी बनती है। बात थोड़ा हम डायनामिक्स की कर ले, जो दोनों इलेक्शन किसने काम किया, मुझे तो ये लगता है काम कोई सरकार नहीं कर रही है 60 साल से, तो कोई सरकार काम ने, आपने खुद बोला है आपकी अच्छा, पार्टी ने, कांग्रेस ने नहीं किया, अच्छा, ये बोल रहे हैं बीजेपी नहीं कर रही है। अच्छा, ये सारी व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं बिना काम किए चल रही है। कौन सी व्यवस्था सर? अरे आप यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हाँ। ये भी सरकार की व्यवस्था है सर, वही चीज तो कांग्रेस बोलती है सर, वही चीज तो कांग्रेस बोलती है कि आप तो बोलते हो 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आप तो बोलते हो कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये गलत बयानबाजी बंद करिए सर, गलत बयानबाजी नहीं है, बात लॉजिक की है सर, बात लॉजिक की है, बात देखिए, मुझे कांग्रेस बीजेपी किसी से कोई मेरा मतलब नहीं है, बात लॉजिक की है। मेरे कहने का मतलब, अगर काम के पैरामीटर पे देखेंगे सर, काम के पैरामीटर पे देखेंगे तो मेरा ओपिनियन ये है भाई, सारी सरकारों ने काम किया जिनसे जो हो सकता था, 100% परफेक्ट कोई नहीं है। सड़क बन रही है, पहले नहीं बनी थी सर, पहले टेलीविजन नहीं था, 2014 के बाद ही सारी चीजें हुई, 2014 के पहले सृष्टि नहीं थी, चांद तारे सूरज नहीं थे, लोकसभा नहीं थी 2014 के बाद, विधानसभा नहीं थी, मुख्यमंत्री नहीं थे 2014 के पहले। मिश्रा जी एक मिनट, रजनीकांत जी, अगर आपको, अगर आपकी
अगर आपका कहना यह है कि सारा विकास बीजेपी के आने के बाद हुआ है तो इस परिभाषा को थोड़ा सा ठीक कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पर आरोप आप पर भी लग सकता है। जीएसटी है, नोटबंदी है, जिससे बहुत जनता आहत है, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात सुनिए, सृष्टि का निर्माण 2014 के बाद हुआ। सबसे बड़ी बात सुनिए रजनीकांत जी, सुनना भी सीखिए, पूरी सृष्टि का निर्माण 2014 के बाद हुआ, उसके पहले रजनीकांत जी आपने कहा कि जिस तरीके से विकास की परिभाषा आप यहाँ बैठकर गिना रहे हैं, अगर ऐसी बात थी तो क्यों गोरखपुर की जनता ने कहा कि यहाँ पर बहुत से ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिसको लेकर वो लोकसभा उपचुनाव में आए हैं? स्थानीय मुद्दे तो निकाय चुनाव में बोले जाते हैं। क्या जनता ने कह दिया? मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से उपचुनाव हुए, लोगों से मतलब जनता से राय जानने की कोशिश करी, तो इस लोकसभा में लोगों के पास में स्थानीय मुद्दे इतने थे जिस पर सवाल खड़े किए जा सकते थे। फिर से एक बार रिपीट करिए, आवाज नहीं आ रही। रजनीकांत जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ हाँ, अब मिल गए बताइए जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से ये बाय इलेक्शन हुए हैं गोरखपुर में, गोरखपुर सीट जो है वो सीएम योगी की सीट रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि चुनाव आपने कैंडिडेट भले उपेंद्र को उतारा हो लेकिन लड़ा सीएम योगी नहीं है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जनता को तो खुश होना चाहिए था ना, लेकिन जनता फिर भी इसके बावजूद स्थानीय मुद्दों को लेकर खड़ी थी कि अभी भी ये तकलीफ है। कैंडिडेट के साथ पार्टी भी चुनाव लड़ती है, पार्टी भी चुनाव लड़ती है, हमारे कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ते हैं, और वहाँ का सामाजिक समीकरण भी चुनाव लड़ता है। सिर्फ ऐसा कह देना कि कौन कौन व्यक्ति, एक व्यक्ति हमारे यहाँ चुनाव नहीं लड़ता, हमारे यहाँ संगठन है, हमारे यहाँ विचारधारा चुनाव लड़ती है। एक चीज और यहाँ पर रजनीकांत जी आपसे पूछना चाहूंगी, फिलहाल तो ताजा अपडेट मिल रही है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। गोरखपुर की कुछ विधानसभा सीटों पर सपा आगे चल रही है, तो वहीं फूलपुर में भी यहाँ पर यही कुछ अपडेट दिख रहा है, फूलपुर में भी सपा आगे चल रही है, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि परिणाम आने का इंतजार करिए। वो तो हम सभी कर रहे हैं, पूरी नहीं हो जाती है, वो तो हम सभी कर रहे हैं, आश्वस्त होने की जरूरत नहीं है। जब परिणाम आ जाएगा तो उपस्थिति स्पष्ट हो जाएगी और सबको लेकर चलना है। ऐसा नहीं किसी विधानसभा में कम है, किसी विधानसभा में अधिक है, तो परिणाम आ जाने दीजिए, दो चार घंटे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे, आपने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जिस तरीके से आपसे सवाल किया हमने यहाँ पर, अगर ऐसी ही बात है तो शहरी वोटर निकलकर क्यों नहीं आए आपको वोट करने के लिए? देखिए, हमेशा से ऐसा होता रहा है कि उपचुनाव में प्रतिशत मतदान कम होता है, क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण देश के अंदर एक लोकसभा चुनाव को लेकर जब सामूहिक चुनाव होते हैं और प्रदेश में जब सामूहिक चुनाव होते हैं, वैसा वातावरण नहीं होता है, और चुनाव के पूर्व जो वातावरण होता है वही मतदाताओं को रुझान बनाता है और मतदाता बूथ तक जाते हैं। जाहिर सी बात है कि कम समय होता है, उस प्रकार की कैंपेनिंग नहीं हो पाती, उस प्रकार का राष्ट्रीय परिदृश्य नहीं बन पाता, उस प्रकार का प्रदेश स्तर का परिदृश्य नहीं बन पाता, तो मतदाताओं का रुझान कम होता है। और मतदाताओं का इतना प्रचार करने के बाद में भी आप कह रहे हैं, इतना प्रचार करने के बाद में भी आप कह रहे हैं सीएम योगी अपने प्रदेश की मूलभूत परेशानियों को छोड़ करके खुद प्रचार करने के लिए वहाँ पर 6 से 8 दफा पहुँचे हैं और आप कह रहे हैं प्रचार कम हुआ? राष्ट्रीय प्रदेश नहीं बन पाता है, एक राष्ट्रीय प्रदेश नहीं बन पाता है। आप प्रदेश के भी उपचुनाव उठा कर देख लेंगे तो उसमें एक प्रदेश स्तर का व्यापक विचार प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है, एक क्षेत्र तक सीमित होता है। मैं बार बार, आप देखिए, गोरखपुर का चुनाव हो रहा था, तमाम लोग लखनऊ में कहते थे कौन सा चुनाव हो रहा है, कैसा चुनाव हो रहा है, उस प्रकार का वातावरण। लेकिन जब संपूर्ण उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है तो जन जन में इस प्रकार की जागरूकता होती है कि उत्तर प्रदेश आपको रोकूंगी जी, जिस तरीके से यहाँ पर सपा आगे चल रही है तो क्या माना जाए, ये गठबंधन की परफॉर्मेंस के तौर पर इसे देखें या फिर ये कहें कि वाकई में जो भाजपा पर आरोप काफी लंबे समय से लगता आ रहा है कि ये इस पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करने के लिए है? नहीं नहीं मैम, देखिए मैं फिर से बोलूंगा, त्रिपाठी जी माफ करिएगा, जो ये चुनावी हार जीत होती है चाहे नेशनल या किसी भी लेवल पे, अगर आप देखेंगे सारी पार्टियों में कमियां होती हैं, चाहे कोई भी मुद्दा आप उठा ले, तो आप इसको एक इतर कर दीजिए, अलग कर दीजिए, और इमोशनल एनालिसिस ना करके आप डायनामिक्स की एनालिसिस करिए। क्यों फूलपुर में सपा बसपा की जो गठबंधन है वो आगे चल रहा है? एक केवल मात्र एक ऐसा इलेक्शन है 2014 में जहां पे बीजेपी जीती थी, उसके पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस के बाद हमेशा से सपा बसपा। देखिए कुछ ट्रेडिशनल फैक्टर होते हैं, उपचुनाव में होता क्या है, बड़ी लिमिटेशंस होती है।
नेशनल लेवल पे कोई ओपिनियन नहीं होता है, उस इलेक्शन का जो दायरा है जहां पे वोटर्स हैं उसके बाहर के लोग बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं, बाहर के नेता लोग भी एक्टिव नहीं होते हैं। मैंने बहुत सारे चैनलों पे यही चीज बोला है कि डायनामिक्स में फर्क क्या होता है, जो लोकल कैंडिडेट होता है गांव प्रधान का जैसे इलेक्शन हो, अरे सर आप सुन लीजिए ना प्लीज, जो लोकल इलेक्शन होते हैं गांव का एक इलेक्शन होता है उस तरीके से इसके डायनामिक्स होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी, देखिए इस इलेक्शन में कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा क्या बनाएंगे आपकी, हम महंगाई कम करेंगे, एक कैंडिडेट तो ये मुद्दे बना नहीं सकता है। तो ये सारा का सारा ये जाता है कि जो कैंडिडेट है उसकी अपनी लोकल रेपुटेशन क्या है, वोटरों पे पकड़ क्या है। इसीलिए मैंने बोला कि योगी आदित्यनाथ की अगर जीत होगी तो उनके अपने पर्सनल रेपुटेशन और काम के कारण होगी, अगर वो बीजेपी से अलग होकर निर्दलीय खड़े हो तो वो भी जीत जाएंगे। फूलपुर इलेक्शन इसका एक बहुत गजब का एग्जाम्पल है, जो अभी ये आगे जा रहे हैं। देखिए जीत हार तो पता चल जाएगा, लेकिन उसमें उसके पीछे आप वो डायनामिक्स और वो लॉजिक को समझिए क्या है। सारा कास्ट का अगर आप सिस्टम देखेंगे तो भी हमेशा से वो समाजवादी पार्टी की सीट रही है, विक्ट्री वहां पे हमेशा 2-4% के उससे हो जाती है। गोरखपुर में जारी रखेंगे यहाँ पर जी, और जिस तरीके से यहाँ पर रुझान जो आ रहे हैं वो फिलहाल ये तय करते हुए दिख रहे हैं कि शुरुआती रुझान में कुछ देरी के लिए भले ही भाजपा आगे रही हो, लेकिन गोरखपुर विधानसभा सीटों में कुछ में से और फूलपुर की जो लोकसभा में से कुछ विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें फिलहाल सपा आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो है फायदा होता दिख रहा है सपा को। और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं सभी। मिश्रा जी, जिस तरीके से यहां पर हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक पर जाने के बाद में कि किस तरीके से सियासी समीकरण एक दूसरे पार्टी ने दूसरों के वोट को काटने के लिए कोशिश की है, तो जिस तरीके से यहां पर भाजपा ने आरोप जो लग रहा है भाजपा पर कि अतीक अहमद को इनडायरेक्टली वे में उतारने के लिए कोशिश की ताकि बाकी के वोट जो है वो काटे जा सके। देखिए स्वाति, मैं आपको बता दूं कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो इलेक्शन होता है वो बाई इलेक्शंस होते हैं। यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंसर होते हैं जैसे मीडिया का या बड़े नेताओं का पहुंचना, तो जिसके कारण मतदाता ओरिजिनली किसी और को इलेक्ट करना चाहता है लेकिन बाद में वो घूम जाता है, ये फैक्टर नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पे रणनीतियां हैं, सारी पार्टियां फ्री हैं, कोई किसी को रोकता नहीं है, जिसको जो समझ में आता है वो करता है और अल्टीमेट गोल होता है इलेक्शन जीतना, चाहे एक वोट से जीते चाहे लाख वोट से जीते, जीत जीत होती है, जो जीता वही सिकंदर। अब अगर मैं ये नहीं बोलता हूं और मैं ये मानता भी नहीं हूं, मेरा ऐसा कोई किसी पार्टी, अगर ये बोला जाए कि हाँ भाई भाजपा ने जो है अतीक अहमद जी को जो है इसलिए लड़ाया ताकि वो वोट काट सके सपा बसपा के मुसलमानों के, देखिए यहाँ पे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा एक पहलू और भी है, मनीष मिश्रा जो कि बाईकास्ट ब्राह्मण है, अगर देखा जाए तो वो भी कुछ ना कुछ सवर्णों का तो वोट काटेंगे ही काटेंगे ना। बिल्कुल। तो लॉस यहाँ पे अगर सपा बसपा को भी हो रहा है तो लॉस कहीं ना कहीं से बीजेपी को भी होगा। तो ये दोनों पार्टियों की अपनी अपनी रणनीतियां होती हैं, जाने अनजाने में एक दूसरे को, मनीष मिश्रा जी को तो कांग्रेस ने डेफिनेटली जो है अगर उतारा है तो उनकी तो अपनी ये इंडिविजुअल वो है जो है। यहाँ पे देखने वाली बात ये है, बीजेपी इतनी सशक्त पार्टी हो के इनके पास लोकल कैंडिडेट नहीं था, चुनार से इन्होंने जो पटेल जी खड़े हुए हैं वो बेसिकली चुनार के रहने वाले हैं, जो इलाहाबाद फूलपुर से 100 किलोमीटर दूर है। अपनी छवि दिखाने के लिए कोई चेहरा इनके पास पुख्ता था नहीं जिस पर ये वोट मांग सकते, तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि इतनी बड़ी पार्टी है और आप एक लोकल कैंडिडेट आपको नहीं मिल रहा है कि आप वहां लोकल खड़ा कर दे। ये भी एक मुद्दा होगा, जब आदमी लोकल होता है तो उसकी बॉन्डिंग जो होती है वोटरों से वो बड़ी जबरदस्त होती है इन कंपैरिजन ऑफ आउटसाइडर। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ सपा से मोहम्मद शहशाह जुड़े हुए हैं। शहशाह, आप इस वक्त खुश जरूर होंगे क्योंकि फूलपुर में बढ़त हासिल कर रही है आपकी पार्टी। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे, जबकि आप खुद जो है गोरखपुर में देख लीजिए कि सड़कों के क्या हालात है, वहाँ की जनता ने कई बार जो है वहाँ पे हंगामा भी किया और वो भी किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ कहते हैं करते नहीं, तो जो करता है हमारे नेता जो है अखिलेश जी ने किया है और सब जनता जानती है कि जब हमारे अखिलेश जी आएंगे और नो डाउट विकास किया है और करेंगे, तो जनता अब जुमलेबाजी पे नहीं अब करने पे यकीन रखती है कि कौन पार्टी करके दिखाता है। बिल्कुल। हमारे साथ नवीन नदीम असद भी जुड़े हुए हैं। नदीम जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर
वोट कास्ट करने के लिए एक ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारा, तो क्या लगता है कि ये आपके पक्ष में इतने वोट ले आएंगे कि जीत मिल सके? बिल्कुल, रजनीकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा से। रजनीकांत जी, जिस तरीके से फूलपुर के जो रुझान आ रहे हैं और जिस तरीके के सियासी समीकरण पार्टियों ने बनाने की कोशिश करी, फिलहाल उसी को वो तय कर रहे हैं। राजनीतिक दल अपना अपना सियासी समीकरण बनाता है और चुनाव सियासी समीकरण पे ही हुआ करते हैं, जाहिर सी बात है। तो सियासी समीकरण उन्होंने बनाया है और जब तक परिणाम नहीं आ जाता है तब तक सियासी समीकरण पर मोहर नहीं लगाया जा सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि 2 घंटे और परिणाम की काउंटिंग हो जाए। रजनीकांत जी, परिणाम का तो हम सभी इंतजार कर रहे हैं, परिणाम ही सब तय करेगा, ये तो निश्चित है। हम तो यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि जिस तरीके से भाजपा कहती है कि वो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी की उनके पास फूलपुर में अपना कोई लोकल कैंडिडेट नहीं। सारे देखिए, सपा भी प्रदेश की पार्टी है, ऐसा नहीं है कि कोई लोकल पार्टी है और इंडिविजुअल पार्टी है। सपा भी प्रदेश की पार्टी है और प्रदेश में सरकार चला चुकी है, तो ऐसा कहना कि सपा लोकल पार्टी है, लोकल पार्टी लड़ रही थी, ये कहना ठीक नहीं है। नहीं, आपने शायद मेरा सवाल ठीक से नहीं सुना। मैं सपा को लोकल पार्टी नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि भाजपा ये दंभ भरती है कि वो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी कि उसके पास फूलपुर के लिए अपना कोई लोकल कैंडिडेट नहीं था। लोकल कैंडिडेट, अरे कोई विदेश से थोड़ी मंगाया गया था। कौशलेन जी हमारे मेयर रहे और मेयर रहने के बाद उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया। एक काम भाजपा को बखूबी आता है, अपनी कमियों को ढकना कैसे है, ये बड़ा बेहतर सिखाया है भाजपा ने। कमियों का नहीं, बिल्कुल सही बात, कौशलेन जी कबूलेंगे नहीं, आप कबूलेंगे नहीं, हमें पता है। हमारी पार्टी का काम किया, योग्य कार्यकर्ता थे, वो कार्यकर्ता के आधार पर उनको चुनाव लड़ाया गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जैसा लगता है कोई विदेश से मंगा के लड़ा दिया गया कैंडिडेट, और वहाँ उन्होंने फूलपुर क्षेत्र में काम किया। खैर, आपके पास इस बात का जवाब नहीं है रजनीकांत जी, ये आपके जवाब देने के तरीके से समझ में आ रहा है। मिश्रा जी, जिस तरीके से यहाँ पर रजनीकांत जी अपनी बात को कहीं ना कहीं ढकने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी बड़ी होने का दंभ भरते हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्टी चुनाव लड़ रही है फूलपुर में, निश्चित तौर पर इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जिस दौरान में लड़े थे उस टाइम पर बीजेपी एक बहुत अच्छी कंडीशन में थी। फिलहाल की कंडीशन कुछ और है, क्योंकि बीएसपी एसपी का अलायंस हो चुका है, कांग्रेस ने अपना ब्राह्मण जो है कैंडिडेट खड़ा किया, तो और साथ ही साथ अतीक अहमद वोट काटेंगे ही काटेंगे बाकी पार्टियों के, ये सोचा बीजेपी ने, लेकिन सियासी समीकरण उनका भी बिगड़ रहा है। नहीं देखिए स्वाति, मैं आपको बताऊं, जैसे वार होती है ना, अगर आप वार हिस्ट्री, त्रिपाठी जी एक मिनट सुन लीजिए, अरे रजनीकांत जी सुन लीजिए, आप दूसरे का खेल बिगाड़ रहे हैं तो दूसरे भी तो आपका बिगाड़ेंगे ना। मनीष मिश्रा आपका नहीं बिगाड़ेंगे क्या? 2-4% तो ब्राह्मण और सवर्णों का वोट जो बीजेपी का है वो तो जाएगा ना, कि 0 वोट मिलेगा उनको मनीष मिश्रा को, और दूसरे को लड़ा के अपना खेल नहीं बनाता, तो अधिक अपने बलबूते पे अपना चुनाव लड़ता हूँ। अरे ठीक है सर, मैं मानता हूँ, चलिए आप अपने बलबूते पे, इसको विश्वास मैं नहीं करता, ठीक है, हम नहीं, लोग अपने बलबूते पर, सर हम नहीं बोल रहे हैं कि आपने या सपा बसपा ने कुछ किया, ये मीडिया बोल रही है, वही के लोग दूसरे के नेता लोग बोल रहे हैं, हमारा सपा बसपा के लोग करते हैं, गठबंधन करेंगे, जाति समीकरण करेंगे, हम तो सबका साथ सबका विकास कर आधिक है, चुनाव लड़ते हैं सर, सबका साथ क्या हुआ है, सबका साथ सबका विकास कर लीजिएगा। कांग्रेस एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन है, आप कैसे सवाल उठा सकते हैं किसी के गठबंधन पर? नहीं देखिए स्वाति, बात करते हैं आप लोग। स्वाति देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आपका ओरिजिनल सवाल था, कोई कितना बड़ा भी पार्टी हो या कुछ भी हो, ये जो वार होता है ना, स्पेशली बड़ा लिमिटेड वार जो होता है, जैसे बाई इलेक्शन, आप कुछ भी अपने तर्कस में कोई भी तीर रखे रहिए, स्ट्रेटजी रखे रहिए, यहाँ आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि प्यूरेस्ट एंड नेचुरल फॉर्म ऑफ जो इलेक्शन आपको अगर एग्जाम्पल मिलता है,
तो वो ग्राम प्रधान का इलेक्शन हो गया, बाई इलेक्शन हो गया। आप बहुत बड़ी पार्टी है दुनिया की, वो सारी मुद्दे सारी चीजें यहाँ पे काम नहीं करती है। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी थोड़ी आएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। हाँ, अगर प्राइम मिनिस्टर और हाईकमान के लोग आते तो डेफिनेटली एक हवा कुछ बनती और कुछ चीजें चेंज हो सकती थी। यहाँ सारे नेचुरल डायनामिक्स काम करेंगे एक दूसरे के ऊपर। जो जाति समीकरण होते हैं, जो कैंडिडेट की अपनी इमेज होती है, कैंडिडेट का अपना काम होता है, और यही एक रीजन है कि यहाँ पे जो वोटर्स होते हैं वो बड़े हर बाई इलेक्शन में आप देखिए वो उदासीन टाइप के रहते हैं। वोटिंग 70% 65% 80% नहीं जाता है, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल जो एक हवा बनती है, जो मोटिवेशन होता है, वो लोगों में उतना नहीं होता है। और एक साल के बाद इलेक्शन है तो लोग ये भी सोचते हैं कि अरे भाई कोई जीते कोई हारे, उससे क्या फर्क पड़ेगा, एक साल के बाद तो सरकार बदलनी है। बीजेपी सेंटर में ये सोचती है कि अगर हम हार भी जाते हैं, देखिए ये बीजेपी की बड़ी स्पष्ट रणनीति है, लेटेंट रणनीति है। राजस्थान में भी बाई इलेक्शन हुए, बीजेपी हार गई। ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी है, अगर मेहनत करे तो वो जीत भी सकते हैं। लेकिन पार्टी आला कमान जानबूझ के उदासीन रहते हैं। उसके दो तीन रीजन है। पहला रीजन ये है, हार या जीत से सरकार नहीं बदलने वाली है, ना यूपी में ना सेंट्रल में। तो बीजेपी के आला कमान बोलते हैं कि भाई लोकल लेवल पे आप लोग देख लो, तो जो लोकल कैंडिडेट हैं ये उनके मादे की बात है, ये उनकी परख होती है, ये उनकी अग्नि परीक्षा होती है। दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक बीजेपी के अंदर एक बड़ा अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है, स्टांस, मतलब चकित कर देना। देखिए अगर एक मिनट के लिए फर्ज करिए कि दोनों जगह हो सकता है बीजेपी हार जाए, केवल फर्ज करिए, तो इसका भी फायदा देखिए बीजेपी कैसे लेगी। इसका फायदा बीजेपी ऐसे लेगी कि वो बोलेगी भाई विपक्ष वाले बोलते हैं कि ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अब देखो अगर दोनों जगह ईवीएम होता तो एक जगह हमारे मुख्यमंत्री थे, एक जगह उप मुख्यमंत्री थे, हम ईवीएम को मैनेज कर लेते। तो बीजेपी का फायदा यहाँ पे भी होता है, इसलिए बीजेपी बाई इलेक्शन को बहुत सीरियसली नहीं लेती है। ये लोकल जो कैंडिडेट है, योगी जी हो गए, मौर्य जी हो गए, या जो इलेक्शन में खड़े हैं, या जो और लोकल टायर टू के लीडर है, ये उनके साथ की बात होती है और वो लोग मेहनत करते हैं और हार जीत उन्हीं लोगों के काम से तय होती है। नदीम जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी। यहाँ पर तीसरे नंबर पर है इस वक्त कांग्रेस, चाहे गोरखपुर की बात करें या फूलपुर की बात करें, किस तरीके से परफॉर्म करके आगे जीत तक पहुंचेगी? हम इन लोगों से जो लगातार ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिससे देश कमजोर हो, नारों की राजनीति करते हैं, नरेश अग्रवाल जिनकी अभद्र भाषा, आपकी पार्टी ऐसी राजनीति करती है कि सोनिया गांधी डिनर डिप्लोमेसी करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। ये तो विपक्ष की एकता के लिए कर रहे हैं। 19 पार्टियों को बुलाने की जरूरत क्या पड़ी फिर? हम सिर्फ इसलिए कि आज देश खतरे में है, आज देश की एकता और जब ये सरकार नदीम जी कहीं कोई खतरे में नहीं है सर, कहीं कोई देश खतरे में नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। जब इनकी सरकार थी केंद्र में तब देश खतरे में नहीं था। आज की राजनीति इस देश को गर्त की तरफ ले जाती है। आप लोग पता है इतने मोटे मोटे शब्द उठाते हैं ना नदीम जी, आप लोग इतने मोटे मोटे शब्द उठाते हैं और सोचते हैं कि जनता शायद हमारी इन बातों में आ जाएगी, लेकिन आप लोग बहुत गलत हो चुके हैं। जनता जागरूक हो चुकी है और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि वोटिंग परसेंटेज इतना नीचे आया है। वोटिंग परसेंटेज नीचे आया है सरकार के कार्यकलाप के कारण, मतलब आपकी सरकार बड़े झंडे गाड़ के गई थी। बिल्कुल नहीं, हम लोग इसीलिए तो जनता ने नकार दिया, इनके भ्रष्टाचार को, टूजी घोटाले को, हमने कोर्ट ने फैसला दे दिया है। गरीब आदमी चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन जाए, और आज सरकार कह रही है कि रजनीकांत जी आप तो शुक्र कीजिए, टूजी सरकार बन गई आपकी टूजी पर सलाह दी जाती है। नदीम जी आप लोग तो कॉम्पिटिशन में ही नहीं कहीं है। देखिए सबसे बड़ी किसी भी सरकार की समीक्षा जनता करती है, जनता को करने देश बनाने के लिए निकले हैं, कंपटीशन करने के लिए नहीं। हम चेक करेंगे ऐसा तो अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगे कि आप जीत सकते हैं तो आप जीतेंगे नहीं और सरकार नहीं, मतलब स्वयंसेवी संस्था टाइप की हो गई है क्या आपकी पार्टी? बिल्कुल जीतने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपने उसूलों को छोड़ करके हम जीतने का प्रयास नहीं करेंगे। उसूलों को छोड़ करके पचासों ऐसे उसूलों की बातें आप लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि सुनिए नदीम जी, उसूलों की बातें राजनेताओं के मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। आप एक सिंगल उदाहरण दे दीजिए कि कहीं हमने अपने अपने उसूलों से समझौता कर दिया। हाँ आपने किया है।
आपने तो किया है रजनीकांत जी। अच्छा अभी बसपा के नरेश जी को भाजपा में शामिल करके रोकना चाहूंगी। हमारा राष्ट्रवाद इशू है, हमने भारत माता वंदे मातरम पर किस इशू पर असूल किस असूल पर किस असूलों पर समझौता कर लिया, यह तो रहे आपको जिन्होंने आपके पीएम को गरियाया, जिन्होंने आपके सीएम को गरियाया, उनको आप बड़े ही सम्मान के साथ पार्टी में बुलाते हैं, ये आपके उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज है, शायद आप भूल रहे हैं इस बात को। जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जिन्होंने बुरा भला कहा बताइए, उनको गले लगाया, जिनके नाम पर आप सारे चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी ढपली अपना राग, ये वो वाला सेंटेंस आप लोगों सबके ऊपर फिट होता है, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, एसपी की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें, जिसका जो पप्पू फिट हो जाए जीत के लिए वही सही। राजनीतिक दलों की आप लोग समीक्षा करिए, और सबसे बड़ी समीक्षा तो देश की जनता करती है कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। हम समीक्षा थोड़ी बैठे हैं जनाब, हम समीक्षा करने नहीं बैठे, हम तो सिर्फ सवाल उठाने के लिए बैठे हैं, हम सिर्फ सवाल उठाएंगे, जवाब भले ही आपके पास हो या ना हो। सवाल जब उठाते हैं तभी तो समीक्षा होती है, मैं वही कह रही हूँ, हम समीक्षा करने नहीं बैठे। उठाते हैं आप लोग, मीडिया उठाती है तभी उसमें समीक्षा होती है, तभी उसमें विचार आते हैं, तभी देश की जनता के ओपिनियन आते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ मोहम्मद शहनशाह जुड़े हुए हैं सपा से, शहनशाह जी जिस तरीके से आपने जाए, आप वहां पर गए, पूर्व सीएम अखिलेश यादव गए आपके, और उन्होंने वहां पर जाकर ये कहा कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने लैपटॉप बांटे, हमने इतना भला किया, सारी की सारी अपनी अच्छाइयां गिनाई, ठीक है, उसके बावजूद गोरखपुर में अभी भी बढ़त हासिल नहीं कर पा रही है पार्टी। देखिए गोरखपुर में अभी आने दीजिए, अभी तो रिजल्ट अभी आएगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, देखिए हम काम किए हैं और करेंगे, और इसमें अभी जो हमारी बीजेपी की सरकार है केंद्र में, अभी आप देखिए कल जो है हमारे 9 भाई शहीद हो गए, तो ये जो 56 इंच का सीना इनका है, और ये कहते हैं अभी कुछ दिन पहले जो है ये बकायदे पाकिस्तान में जो है नवाज शरीफ के घर जाके धमकी दे के आए कि तुम हमारे सैनिकों को शहीद कर रहे हो, तुम होश में आ जाओ, तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए कि उनके घर जिस देश से हमारी दुश्मनी है, हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, और उसी देश के प्रधानमंत्री के घर जाके हम जो है दावत खा के आ रहे हैं, फिर इसके बाद जो है ये कहते हैं कि हम जो है किसानों के साथ, अभी आप देखिए कि महाराष्ट्र में कितने लाख किसान इकट्ठे हुए थे, उन लोगों के साथ इन्होंने क्या किया, अभी नौजवानों को देखिए इन्होंने जो है 1.5 GB जो है डाटा बांट दिया है, उनको नौकरी दे दी, वो दिन भर अपना जो है मोबाइल में जो है वो चलाते रहते हैं, तो ये बेरोजगारी भी खत्म कर दिए, किसानों की समस्याएं भी खत्म कर दिए। तो यहाँ पर राजनीतिक सलाहकार, हाँ बोलिए बोलिए रजनीकांत जी, आप बोलिए। मैं कह रहा था कि इनकी सरकार में सब कुछ समाप्त हो गया था, कुछ करने को शेष नहीं था देश के अंदर, यही कहने का मतलब है ना, सारे बेरोजगार रोजगार पा गए थे, सारी चीजें हो गई थी। अरे जो भी सरकार आती है वो रोजगार भी देती है, उनको बेरोजगारी उनकी यानी आप ये मानते हैं कि पूर्व की सरकारों ने भी रोजगार दिया था, लेकिन आपने बेरोजगारी का मुद्दा खाम खाम उठाया, इस बात पर चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ पर हमारे साथ सारे मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से ये चर्चा हो रही है वो चर्चा भी जारी रखेंगे। फिलहाल हम सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हमारा हिस्सा बनने के लिए। तो चुनावी परिणाम जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, उनसे हम आपको अपडेट भी करा रहे हैं, हालांकि आरोप भी गड़बड़ी के लग रहे हैं साथ ही साथ, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।